आज हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको सही एक्सपोजर नहीं मिलता, उनके कार्य की जानकारी लोगों को नहीं मिलती। हमारी इतिहास, संस्कृति और विरासत, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, हमारा योग विज्ञान, हमारा आयुर्वेद, विशेष रूप से हमारे स्पोर्ट्स, ये निश्चित रूप से हमारे इतिहास के साक्षी है कि हमारे देश का पूरे विश्व में नाम है। जब यूनो में योगा डे हुआ और प्रधानमंत्री ने जब इस बात के लिए उनसे रिक्वेस्ट की, अब पूरे वर्ल्ड में अब योगा डे बन रहा है, तो ये केवल एक कार्यक्रम नहीं है, हिंदुस्तान के इतिहास, संस्कृति और विरासत को एक बहुत बड़ा रिकग्निशन है। और ये वेस्टर्न कंट्रीज से है, और हरियाणा में तो मुझे कभी कभी खुशी होती है कि ये भूमि स्पोर्ट्स के लिए तो ऐसी है कि हमारे देश को, मुझे मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, पर सबसे ज्यादा आज तक इंटरनेशनल लेवल पर अगर मेडल दिलाने वाला कोई राज्य होगा तो वो हरियाणा है। और मैं अभी जब भी हरियाणा जाता हूँ, रोड से जाता हूँ, कभी हेलीकॉप्टर से जाता हूँ, तो मैं एक बात पंजाब हरियाणा में सब जगह देखता हूँ, बहुत बड़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, बहुत स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा ग्राउंड है और बहुत अच्छा स्पोर्ट्स का क्लाइमेट है। कभी कभी हमारे यहाँ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि कुछ गाँवों में स्कूल की बिल्डिंग होती है तो टीचर नहीं होते, टीचर होते तो बिल्डिंग नहीं होती, दोनों होती तो पढ़ाई नहीं होती, और तीनों होते तो विद्यार्थी नहीं होते। तो कभी ना कभी ये समस्या कभी कभी है, तो हर गांव में इस प्रकार की बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज हैं। और दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हरियाणा बहुत उद्यमशील है। अभी परसों मुख्यमंत्री जी और मैं, हम दिल्ली से निकलकर पानीपत से लेकर मैं अंबाला तक रोड से साथ में गए, तो मुझे बहुत अच्छी है कि मैं खेती में ज्यादा काम करता हूँ, तो हमारे यहाँ खेती में महाराष्ट्र में बहुत लैंड ऐसी है कि जो उपजाऊ नहीं होती, वेस्ट लैंड होती है, पर हरियाणा में मैंने देखा एक इंच जमीन कहीं ऐसी वेस्ट लैंड नहीं दिखती। और ये इस बात की खुशी है कि वहां के किसान भी बहुत मेहनती है, चावल हो, गेहूं हो, इसका उत्पादन अच्छा करते हैं। और जो परली मेरा प्रिय विषय था, जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण होता है, तो इस समय मुझे बड़ी खुशी हुई कि अभी सोनीपत पानीपत में हम परली से इथेनॉल बना रहे हैं 1,00,000 लीटर पर डे, और उससे 150 टन बायो बिटुमेन, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, इंडियन ऑयल ने शुरू किया है। और अब मुझे उन्होंने बताया कि बिटुमेन नहीं, बायो एविएशन फ्यूल बनेगी, यानी हमारे पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल में 2% ये बायो एविएशन फ्यूल डालने का बंधन वर्ल्ड में आ रहा है, तो परली का वैल्यू एडिशन इतना बड़ा हुआ। और मैं अभी एक पॉलिसी बना रहा हूं कि परली से बायो बिटुमिन बनेगा, और हमारा किसान अन्नदाता तो है ही, अब इथेनॉल के कारण वो ऊर्जादाता बना, ग्रीन हाइड्रोजन इथेनॉल के कारण अब हमारा किसान बिटुमिन दाता बने, क्योंकि हमारे देश में 80,00,000 टन बिटुमिन लगता है, 50,00,000 टन बिटुमिन इंडियन रिफाइनरी देती है, और 30,00,000 टन बिटुमिन जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं, उसके बजाय हरियाणा पंजाब का किसान परली से राइस स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ और बगास से, और बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके बायोमास को जनरेट करके बिटुमिन बनाएगा, और हम पूरा खरीद लेंगे, इंपोर्ट बचेगा, प्रदूषण बचेगा, और हमारे गांव के किसानों को अच्छे पैसे मिलेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो यही हरियाणा में और एक अच्छी बात हुई, जिसके लिए मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, कि मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूं 2004 से कि हमारे बायोमास से, परली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार हो और उसके ऊपर गाड़ी और बसेस चलाए। अब मैं उस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं, 26 इंडस्ट्री शुरू हो गई जो बायो सीएनजी और बायो एलएनजी परली से तैयार कर रही है। 5 टन ऑफ परली इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी और बायो एलएनजी, जिसमें ट्रक, बसेस, कार चल रही है। और सबसे अच्छी बात है कि जो परली जलाकर प्रदूषण होता था, उससे अब ये सीएनजी एलएनजी होगा, और अब 135 प्रोजेक्ट ऐसे जिसका काम शुरू है, वो बहुसंख्यक प्रोजेक्ट हरियाणा और पंजाब में है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है,
जहां किसानों के लिए बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन होगा और प्रदूषण में कमी होगी, और हमारा 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का जो इंपोर्ट है उसको हम कम कर सकेंगे। तो हरियाणा उद्यमशील भी है, किसानों का उत्पादन भी अच्छा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और स्पोर्ट्स में भी आगे है, और निश्चित रूप से अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। मैंने हरियाणा के सब दिशा में बहुत रोड बना के दिए। अब मुझे नहीं लगता कि अब कोई हरियाणा का एमपी मेरे पास रोड मांगने के लिए आते ही नहीं, क्योंकि जितने मांगे उतने पूरे हो गए। तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा में बना है।